अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां भारतीय आध्यात्मिक जीवन का एकमात्र लक्ष्य जीव सेवा ही ईश्वर सेवा है। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने सदैव प्राणी मात्र में ईश्वर को देखा और अपने शिष्यों को भी यही बात सिखाई, बताया और दिखाया कि जीव सेवा, प्राणी सेवा ही नारायण सेवा है। इसलिए प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर हमें ईश्वर को देखना चाहिए, तभी हमारा मनुष्य जीवन सफल कहलाएगा और यही आध्यात्मिक जीवन का एकमात्र लक्ष्य भी होना चाहिए। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण भावधारा इसी लक्ष्य को लेकर, इसी भाव को लेकर सतत कार्य कर रही है। स्वामी जी महाराज ने जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तो इस मिशन का एकमात्र उद्देश्य भी यही था, जीव सेवा के माध्यम से ईश्वर की सेवा करना। इसी उद्देश्य को लेकर मिशन निरंतर कार्यरत है। उक्त आशय के उद्गार सर्वभूतानंद महाराज ने रामकृष्ण आश्रम गुड़हर में आयोजित सार्वजनिक आविर्भाव महोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की आसंदी में व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे स्वामी अक्षय आनंद महाराज ने कहा कि रामकृष्ण आश्रम रीवा रामकृष्ण भावधारा और मिशन के उद्देश्य को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहा है। साथ ही उन्होंने आश्रम के कार्यों की, सेवा कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि स्वामी नित्यानंद महाराज ने कहा कि हम अपने जीवन में जितनी भी पूजा, जप और ध्यान करेंगे, हमारा आध्यात्मिक जीवन उतना ही उन्नति करेगा, परंतु जब हम मानव सेवा नहीं करेंगे, वह भी निस्वार्थ भाव से, तब तक हमारा आध्यात्मिक जीवन भी अपूर्ण ही रहेगा। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि स्वामी राघवेंद्र आनंद महाराज ने कहा कि हम सबको जाति, धर्म, मजहब के भेदभाव को दूर करते हुए निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य में जुट जाना चाहिए, तभी यह देश, यह राष्ट्र सही मायने में उन्नति कर पाएगा। इसके पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ त्रिदेव पूजन के साथ हुआ। कार्यक्रम में स्वागत भाषण प्रोफेसर एनपी पाठक ने दिया। कार्यक्रम के अंत में आभार प्रदर्शन संस्थान के सचिव डॉक्टर पी के लकटकिया ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन रविंद्र मणि त्रिपाठी ने किया। संस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी राघवेंद्र मणि त्रिपाठी ने संस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। संस्थान के वरिष्ठ न्यासी प्रोफेसर पी के सरकार, संस्थान के अध्यक्ष विनोद सिंह एवं सचिव डॉक्टर पी के लटकटिया ने सभी गणमान्य अतिथियों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों का आभार व्यक्त किया। दास को दिखावो हे राम कृष्ण हृदय नाथ, तेज पुंज दिव्य कांति, तेज पुंज दिव्य कांति, हरत सकल मोह भ्रांति, तेज पुंज।